ये जाना चाहता है, पर पहले दो काम, बियर को ब्रू करना और उसे बाहर भेजना, ये विशाल जोटाबाउडा प्लांट के चार अलग इलाकों में होता है। मिल, जहां बार्ली ग्रेन्स को क्रश किया जाता है। ब्रू हाउस, जहां क्रश किए गए बार्ली को उबालकर एक शुगरी ब्रू बनाया जाता है, जिसे वॉर्ट कहते हैं। सेलर्स, जहां 2000 विशाल फर्मेंटेशन और लागरिंग टैंक्स हैं, जहां यीस्ट उन शुगर्स को अल्कोहल में बदलता है, और विशाल पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी, जहां तैयार बियर को बॉटल्स, कैंस और कैग्स में भरकर दुनिया भर में भेजा जाता है। बियर को चार सिंपल इंग्रेडिएंट्स से तैयार किया जाता है, वॉटर, बार्ले, हॉप्स और यीस्ट। सबसे पहले कच्चे बार्ले को ब्रूइंग के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया को माल्टिंग कहते हैं। ये काम एंटवर्प बेल्जियम के पास एक मिल्टरी में तैयार होता है। चलिए स्मेल करके देखते हैं। लाइट है, लाइट पिल्सनर माल्ट। क्वालिटी भी काफी अच्छी है। जॉन की अनुभवी टेस्ट बड्स और ब्रूइंग की जानकारी से कुछ नहीं बच सकता। हम इसको स्मेल करके देख रहे हैं और हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये फ्रेश है या नहीं। अगर गीला हो तो मोल्डी हो सकता है, पर इसे मोल्डी नहीं होना चाहिए। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हाँ, ये टिपिकल पिल्सनर माल्ट है, अच्छा है। करीम और उनकी टीम ब्रूअरी और कंज्यूमर के बीच आखिरी बैरियर होते हैं। इन्हें ये सुनिश्चित करना होता है कि हर बूंद परफेक्ट हो। इसका मतलब होता है क्रिस्टल क्लियर बियर के लिए बहुत कम टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस, ताजगी को बचाने के लिए टिकने वाला फोम और शुद्ध पानी। इस कंपनी के लिए हर घूंट में इसकी इज्जत दांव पर लगी होती है। इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने की चाहत, जिसे नियंत्रित करना मुश्किल है, हमें इसके फाउंडर जेरार्ड एड्रियन हाइकन तक ले जाती है, जो तब सिर्फ 22 साल के थे जब उन्होंने 1864 में अपनी पहली ब्रूअरी की स्थापना की। ब्रूइंग में बिना किसी अनुभव के इस युवा उद्यमी ने अपने परिवार की धन संपत्ति को दांव पर लगा दिया, ये साबित करने के लिए कि बियर ही आने वाले समय में सबसे बड़ा उद्योग होगी। 1870 में कहीं जाकर युवा जेरार्ड एड्रियन अपनी ब्रांड को एक अलग दर्जा दिलाने में कामयाब हुए। तब तक हाइनकिन एक टिपिकल डार्क एल थी, उसे वर्किंग क्लास की शराब माना जाता था। मगर हॉलैंड में एक नई तरह की क्लियर बियर बनने लगी थी, जर्मनी की पिल्सनर बियर। ये क्लियर गोल्डन लागा ज्यादा महंगी थी और इसे ज्यादा अच्छा ब्रू माना जा रहा था। एक बियर एग्जिबिशन में जेरार्ड एडियन ने देखा कि वो नई पिल्सनर स्टाइल बियर कितनी ज्यादा बिक रही है और अपनी बियर को बदलने का फैसला कर लिया। और फिर उन्होंने एक समझदारी दिखाई। उन्होंने इस पिल्सनर को जेंटलमैन्स बियर के तौर पर पोजीशन किया। उसके बाद से उन्होंने एक क्लियर गोल्डन पिल्सनर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, उनके ट्रेडिशनल डार्क एल का एक प्रीमियम अल्टरनेटिव। कामयाबी ने जल्द ही दस्तक दी। 1889 में पेरिस वर्ल्ड एग्जिबिशन में उनके नए लागा ने प्रेस्टीजियस ग्रैंड प्री जीत लिया। आज भी उनके लेबल्स पर वो इनाम देखा जा सकता है। पीसे गए ग्रेन्स को मश टन्स कहे जाने वाले विशाल टैंक्स में गर्म पानी में मिलाया जाता है। इस तरह ग्रेन से शुगर्स बाहर निकल आती हैं। यह उस प्रक्रिया की तरह ही है जो बार्ली के साथ माल्ट्री में की गई थी, बस इस बार हम ग्रेन से शुगर निकालना चाहते हैं। अब हम मैशिंग की प्रोसेस तक पहुंच गए हैं। अब हम लगभग 60 डिग्री पर मैश कर रहे हैं और ये टेम्परेचर धीरे धीरे 78 डिग्री तक चला जाएगा। उसके बाद हम अगले स्टेप पर जाएंगे, जो होगी लॉटर टर्न। अलग अलग टेम्परेचर्स माल्टेड बार्ले ग्रेन्स में अलग अलग एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, इससे स्टार्च शुगर में बदलता है। टेम्परेचर्स को स्टीम रेगुलेशन से कंट्रोल करते हैं, जिसे बॉटम से हीट किया जाता है। और टेम्परेचर्स की अलग स्टेजेस बहुत जरूरी होती हैं ज्यादा से ज्यादा स्टार्च को फर्मेंटेबल शुगर्स में कन्वर्ट करने के लिए। एक साथ 6 मैश टन्स, वैसा ही है जैसे एक छत के नीचे 6 ब्रूअरीज हों। ये एक तरीका है जहाँ पर पैदा होने वाली भारी मात्राओं को संभालने का। अब बार्ले माल्ट में से शुगर्स को निकाल लिया गया है और मैश लिक्विड, जो अब भी ग्रेन पार्टिकल से भरा है, उसे लॉटर टन कहे जाने वाले एक फिल्ट्रेशन टैंक में पंप कर दिया जाता है। टैंक में नीचे से ऊपर तक एक स्टील फिल्टर होता है,
जो बाले पार्टिकल्स और दूसरे सॉलिड्स को उस शुगरी सूप से अलग करता है जिसे अब वॉर्ट कहा जाता है। वॉर्ट स्टेज पर मॉनिटरिंग बेहद जरूरी होती है। इसके ज्यादा या कम एसिडिक होने से बियर का फ्लेवर खराब हो सकता है। एक नए लेवल पर पहुंचा दिया गया है। इतनी जगहों पर इतने सारे ग्राहकों के साथ हर रोज की सबसे बड़ी चुनौती होती है बियर को दर्जनों अलग अलग तरह के कंटेनर्स में भरना। 25 सेंटीलीटर बॉटल से लेकर हाईटेक कैंस तक और यहाँ पर काम आती हैं कुछ हैरत अंगेज मशीनें। तो हम फिलिंग मशीन के पास हैं। इस मशीन में नई बॉटल्स आती हैं, उनको धोया जाता है, उसके बाद उन्हें फिलिंग मशीन में डाला जाता है जहां उनमें प्रेशर से बियर भरी जाती है। उसके बाद बॉटल्स पर कैप लगाई जाती है, फिर ये मशीन से बाहर चेक एरिया के लिए जाती है और फिर पैस्चराइजेशन एरिया में। पैस्चराइजेशन भरी और कैप लगी बॉटल्स को एक 63 डिग्री वाटर रिंस में से भेजता है। इससे बैक्टीरिया मरते हैं और बियर स्टेबलाइज होती है। इसी से वो शेल्फ पर कई महीनों तक फ्रेश रहती है, जैसे कि दूध और ऑरेंज जूस। अपनी टॉप स्पीड में ये मशीन हर घंटे में 65,000 बॉटल्स को तैयार करती है। दिन के 24 घंटे हफ्ते के 5 दिन यानी एक मशीन से एक साल में लगभग 50 करोड़ बॉटल्स। एक बार भरने और कैप लगने के बाद बॉटल्स को लेबल करना होता है। ऐसी मशीनों के साथ ये काम भी आसान लगता है, पर ये जूटा बाउडा की मेगा ब्रूरी है और हम एक घंटे में 5,00,000 बॉटल्स की बात कर रहे हैं। तो अब हम लेबलिंग मशीन पर हैं। ये मशीन एक घंटे में 40,000 बॉटल्स तैयार करती हैं। कुछ चीजें जो ये मशीन्स करती हैं, सबसे पहले तो ये बॉटल्स की मोल्डिंग लाइन को चेक करती हैं। उसके बाद ये देखती हैं कि लेबल्स को किस पोजीशन में होना चाहिए। इस पर होता है नेक लेबल और एक बेली लेबल, साथ ही एक बैक लेबल भी, और होता है एक कोड ताकि हम कभी भी पता लगा सकें कि बॉटल किस लाइन और किस मशीन पर बनी थी। हर गुजरने वाली बॉटल के लेबल की प्लेसमेंट की एक्यूरेसी को मिनी कैमरास एनालाइज करते हैं। एक सेकेंड में 11 बॉटल्स। अगर लेबल में 1 मिलीमीटर के फ्रैक्शन जितना भी फर्क हो तो बॉटल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये ट्रेनिंग 9 महीने की होती है और इन 9 महीनों में आपको उन ऑफ फ्लेवर्स को पहचानने की ट्रेनिंग दी जाती है जो बियर में हो सकते हैं। किसी को मालूम नहीं होता कि वो कौन सी बियर और ये बियर बहुत ही अच्छी है, इसलिए मैंने इसे 6.9 नंबर दिए हैं, जो कि इस तरह की बियर्स के लिए काफी हाई स्कोर है। टेस्ट को पास कर लेने और बॉटल कैन या केग में भरे जाने के बाद वो पैक होकर दुनिया में पहुंचने के लिए तैयार होती है। जूटा वाउडा में दुनिया की वो अकेली ब्रूरी है जिसमें एक ऑटोमेटेड डिस्पैच सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। पैकेजिंग से आ रहे 80% से भी ज्यादा पैलेट्स को सीधा कंटेनर्स में लोड कर दिया जाता है और इस दौरान वो वेयरहाउस के फर्श को छूते तक नहीं है। यहाँ की हर चीज को हमारा वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम कवर करता है। हर चीज पे नजर रखी जाती है और हमें हमेशा पता होता है कि हमारे पैलेट्स कहाँ है, वो कहाँ जा रहे हैं ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के लिए। हम हर रोज लगभग 90,00,000 बॉटल्स को शिप में भेजते हैं, यानी कि हर रोज 200 कंटेनर्स सीधे हार्बर तक भेजे जाते हैं। वो चीज जो हाइनेकन को दूसरी बियर से अलग बनाती है वो है दुनिया भर में इसकी शोहरत। और इसकी पूरी दुनिया में मशहूर होने के पीछे अमेरिका के इतिहास का बहुत बड़ा हाथ है। 1933 की बात है, पाबंदी की वजह से अमेरिका लगभग 1 दशक से शराब के लिए तड़प रहा था। और जब आखिरकार प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने शराब पर से पाबंदी हटाई तो उन्होंने कहा, दिस वुड बी अ गुड टाइम फॉर अ बियर। उसके बाद यूरोप से वहाँ सबसे पहले बियर पहुँचाने की एक रेस शुरू हुई। हाइनेकन ने वो रेस जीत ली और जल्दी ही अमेरिका के बाजार में अपने पैर जमा लिए। 1933 में जब पाबंदी हटाई गई, हमने यूनाइटेड स्टेट्स को बियर भेजी और फिर उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, इसलिए हमारा यूनाइटेड स्टेट्स से एक खास रिश्ता है। जेरार्ड एड्रियन के ग्रैंडसन फ्रेडी हाइनेकन इसी दौर में बड़े हुए। अपनी फैमिली कंपनी में पहला काम उन्हें यूएस ले गया, जहां उन्हें वेस्ट कोस्ट पर अपनी बियर को प्रमोट करना था। वहां उन्होंने मार्केटिंग की दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा और वो अपनी उस नई नॉलेज के साथ हॉलैंड लौटे। Practically everything is on board now and the last case of Heineken's beer is lifted aboard. 1960 और 70 के दशक में फ्रेडी हाइनेकन ने एक सपना देखा
वो अपनी फैमिली बियर को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाना चाहते थे। क्रिटिक्स ने कहा कि बियर कभी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरह एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं बन सकती है, लेकिन फ्रेडी ने बहुत ही सूझबूझ के साथ एक ग्लोबल मार्केटिंग कैंपेन में इन्वेस्टमेंट की और अपने इस सपने को पूरा कर लिया। उनके दौर के अंत तक हाइनेकन दुनिया भर में एक जाना माना नाम बन चुका था और उसकी पहचान बन गई रेड स्टार वाली एक ग्रीन बॉटल। Be a Heineken man, join the Heineken men of the world. Be a Heineken man, join the Heineken men of the world. आप सोच रहे होंगे रेड स्टार कहां से आया? वो रेड स्टार अब भी कुछ हद तक एक मिस्ट्री है। माना जाता है कि वो मेडिवल ब्रूअर्स के लिए एक गुड लक सिंबल हुआ करता था। कोल्ड वॉर के दौरान कंपनी ने उसे व्हाइट स्टार में बदल दिया ताकि उसे कम्युनिज्म के साथ जोड़कर न देखा जाए, पर वो ओरिजिनल रेड स्टार फिर से ही जल्दी नजर आने लगा। सबसे बड़ा ब्रांड रेवोल्यूशन फ्रेडी हाइनेकिन के दौर में आया। फ्रेडी हाइनेकिन ने ब्रांड की पहचान को बदल दिया। जब आप हाइनेकिन लेबल को देखते हैं तो बेशक आपको नजर आता है हाइनेकिन। उन्होंने ग्रीन बॉटल इंट्रोड्यूस की और उन्होंने लेबल को भी बना दिया एक ग्रीन लेबल, क्योंकि फ्रेडी हाइनेकिन के मुताबिक ग्रीन बियर के लिए पावरफुल कलर था। वो फ्रेंडली था, ओपन था, उसका नेचर से एक रिश्ता था, बियर के लिए बिल्कुल सही कलर था। उन्होंने कुछ और भी किया। जब आप लेबल पे हाइनेकिन नाम को गौर से देखते हैं तो आपको उस नाम में ई दिखाई देता है। फ्रेडी हाइनेकिन ने एक पेंसिल ली और फिर उन ईज को टिल्ट करके एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। राइट में टिल्ट करके वो उदास लगता था और लेफ्ट में करें तो पढ़ना मुश्किल हो जाता था। आखिरकार उन्होंने परफेक्ट एंगल ढूंढ ही लिया। वो ई हंसता हुआ चेहरा लगता था। वो एक कमाल की खोज थी। उनके हंसते हुए ई ने उनकी बियर को इंटरनेशनल मार्केट्स में लॉन्च कर दिया। हाइनेकिन को पूरी दुनिया पीने लगी। अब फ्रेडी को इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बहुत सारी बियर की जरूरत थी। 1975 में उन्होंने डच रॉयल फैमिली से हाथ मिलाया और जूता बाउडा में हाइनेकिन की एक नई स्टेट ऑफ द आर्ट मेगा ब्रूअरी शुरू की। हाइनेकिन एंड जूटर बाउडे हैवन एल्काई गेफुंडे। आजकल ब्रांड्स के लिए प्रिंट एड्स और टीवी कमर्शियल से आगे सोचना जरूरी हो गया है। उन्हें अपने कस्टमर्स के साथ जुड़ने के लिए नए तरीके ढूंढने होते हैं। हम लोगों के पैशन को टारगेट करते हैं। हमारे पास हर तरह का म्यूजिक है, पर म्यूजिक की ब्यूटी ये है कि अगर वो चाइना में पॉपुलर है तो जरूरी नहीं है कि वो ब्राजील में भी पॉपुलर होगा। पर हम सही म्यूजिक और अपने कंज्यूमर्स के पैशन को ढूंढ लेते हैं और खुद को उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि हम हमेशा अपने कंज्यूमर्स और कंज्यूमर्स के पैशन के साथ टच में रहें। क्योंकि बियर पैशन है, इमोशन है, और इसीलिए ये मार्केटिंग के लिए बहुत जरूरी चीज है। इसका मतलब होता है ब्रांड को वहाँ पहुँचाना जहाँ लोग एक्साइटेड होते हैं, जैसे स्पोर्टिंग इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स। नेदरलैंड्स में हाइनेकिन म्यूजिक इवेंट्स के सबसे बड़े स्पॉन्सर्स में से एक हैं, जैसे कि यंग सिंगर सॉन्ग राइटर्स के लिए एनुअल ग्रैंड प्राइज। हम यहाँ हाइनेकिन म्यूजिक कॉन्टेस्ट के लिए आए हैं, जिसे ग्रोटे प्राइज वैन नीदरलैंड कहते हैं। ये म्यूजिक कॉन्टेस्ट यंग म्यूजिशियंस के लिए है। यहाँ हमें अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलता है। ये अच्छी बात है कि हाइनेकिन यंग आर्टिस्ट को सपोर्ट करता है और इसमें हम ही जीतेंगे। अब तो कंज्यूमर चाहे कहीं भी हो, उससे कनेक्ट होने के कई नए तरीके आ चुके हैं, जैसे कि सोशल मीडिया और मोबाइल टेक्नोलॉजी। लेकिन अब भी कंज्यूमर्स को अपने पास बुलाना सबसे अच्छा माना जाता है। हाइनेकिन बियर लवर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ आने का मौका देता है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, एम्स्टरडैम में। ये बिल्डिंग हमारे लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी हेरिटेज का हिस्सा है। ये वो पहली ब्रूअरी है जो जेरार्ड एड्रियन हाइनेकिन ने बनाई थी। एम्स्टरडम आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमने इसके बारे में सुना था, इंटरनेट पे रिव्यूज पढ़े थे कि ये फन टूर है जो सच में है, और आखिर में यहाँ बियर भी मिलती है, काफी मजा आ रहा है। हाइनेकिन बियर की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जब आप इसके लेबल के बैक को देखते हैं तो लिखा होता है ओनली वॉटर हॉप्स एंड बार्ले, नाइस एंड फ्रेश, नाइस एंड क्लीन, सो इट्स अ गुड टेस्ट। अब मैं इसे भी वाइन की तरह देखा करूंगी। नॉर्मली मैं वाइन को टेस्ट करती हूँ, उसे स्मेल करती हूँ और उसके फ्लेवर्स के बारे में सोचती हूँ। बियर के साथ ऐसा नहीं करती थी, पर आज किया।
जूटा वाउडा के वाटर टैप से दुनिया में कहीं भी किसी बार टैप तक ये बहुत लंबा सफर होता है। इस सफर के दौरान इस पानी को प्यूरिफाई माल्टेड बार्ली के साथ मैश यीस्ट के साथ फर्मेंट किया जाता है और फिर बॉटल्स में भरकर लेबल लगाकर हर जगह पहुंचाया जाता है। साइमन लोगों की लंबी कतार में वो आखिरी शख्स है जो ब्रू को उसकी फाइनल डेस्टिनेशन पे जाते हुए देखते हैं। मैं बियर को कस्टमर्स तक पहुंचाता हूं और सभी मुझे बहुत पसंद करते हैं। एम्स्टर्डम में ड्राइव करते वक्त मुझे सारे शॉर्टकट्स पता होते हैं जिनसे मैं बार्स और रेस्टोरेंट्स में टाइम पे पहुंच जाता हूं। ये वो सफर है जिसके हर मोड़ पर चुनौतियां होती हैं और कंपनी जितनी बड़ी होती रहती है ये चुनौतियां भी उतनी बड़ी होती जाती हैं। 26 साल पहले जब मैंने शुरुआत की थी हेनिकेन पहले से दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बियर ब्रूअर था। असली बात यह है कि ये एक किचन रेसिपी है, ये कुकिंग की तरह है, बस जो पॉट्स और पैन्स हम इस्तेमाल करते हैं वो बहुत बड़े हैं। बहुत सी प्रोसेस ऑटोमेटेड है, पर सही माने में देखा जाए तो आज भी अच्छी बियर बनाना ब्रूअर का ही आर्ट है। दुनिया भर में हर रोज हर पल हाइनेकन की 200 से भी ज्यादा बॉटल्स खोली जाती हैं। ये निशानी है उस 140 साल पुरानी परंपरा की और नतीजा है उस हैरतअंगेज सफर का जो वाटर टैप से शुरू होकर बियर टैप पर खत्म होता है।